आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी प्रमुख खबर से। भारतीय स्टेट बैंक की शिकारीपाड़ा शाखा में प्रारंभिक जांच के बाद शनिवार को 79 लाख का घोटाला पकड़ में आया। यह राशि दूसरे के खाते में डालने के बाद निकाली गई है। एटीएम में डाले गए 26 लाख रुपए का भी पता नहीं चला है, जिस कारण एटीएम को भी सील कर दिया गया है। एक दर्जन से अधिक वाउचर जांच टीम ने जब्त किए गए। इधर 10,50,000 रुपए लेकर भागे प्रबंधक का कोई पता नहीं चल पाया है। बताते चले कि शुक्रवार को एक ग्राहक ने अपने लोन खाते में 86 लाख रुपए जमा कराने एवं 2 घंटे में निकासी की शिकायत की थी। डीएसपी नूर मुस्तफा अंसारी ने लगभग 4 घंटे तक कागजात खंगाले। फरार प्रबंधक मनोज कुमार ने रजिस्टर से इस बात का जिक्र किया है कि एटीएम में 26 लाख रुपए डाले गए थे, परंतु पैसे की निकासी नहीं हो रही है। मनोज उसकी चाबी अपने साथ ले गए हैं। शाखा प्रबंधक के साथ दैनिक मानदेय पर काम करने वाले सफाईकर्मी सुनील मंडल भी गायब है। सुनील करीब 10 साल से बैंक में सफाईकर्मी का कार्य कर रखा है। उसकी पत्नी के नाम से शिकारीपाड़ा थाने के सामने ग्राहक सेवा केंद्र गए, उसमें भी शुक्रवार से ताला लगा हुआ है। बैंक से सुनील का जनरेटर एवं एक गाड़ी भी भाड़े में चलती है। दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ है। शुक्रवार को प्रबंधक ने कैशियर को 5 लाख का एक चेक दिया था। उन्होंने चेक अपने खाते के नाम से जारी किया था। जांच के बाद पता चला कि खाते में पैसा नहीं है। दुमका से विनोद त्रिवेदी की रिपोर्ट। ब्रांच सिकारी पड़ा के दुमका जिला के अंतर्गत आता है। वहाँ से कैशियर साहब बैंक मैनेजर लिए हुए थे 10.5 लाख रुपया और उनको 5 लाख का चेक दिया और बोले कि हम कोटा जा रहे हैं नियंत्रण कर रहे, वहाँ से आएंगे तो रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद जो है कि शाम तक रिटर्न नहीं हुआ तो केसर साहब जो है कि थाना में लिख के एफ आई आर करवाए हैं और अभी उसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ बातें सामने आएंगी। लापता का मामला? हाँ, वो अभी तक नहीं आए हैं और कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। अब बाद में क्लियर होगा, हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। केसीआर से कुल कितना रकम लिया गया है? केसीआर से 10.5 लाख नकद लिए हैं और 5 लाख का चेक दिए गए थे। बोले थे कि शाम को फिर पूरा कर देंगे। ये मामला 10 लाख का है कि और ज्यादा है? और कुछ बात सामने आ रही है, अनुसंधान में क्लियर हो पाएगा कि क्या हकीकत है। हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।